सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों तो देख सकते हो यह है मेरठ मोड़ और यहां से आज हम आप लोगों को लेकर चलेंगे दुहाई तक का व्यू देने वाले हैं इस दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर को जो बनाया जा रहा है तेज़ी के साथ में। और इसका प्रियोरिटी सेक्शन अभी बहुत जल्द ही तैयार होने वाला और बहुत जल्द इस पर रैपिड रेल दौड़नी स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों तो आज मैं आप लोगों को दिखाने और बताने वाला हूं, तो आप बने रहिए केपी संत के साथ में दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस केपी संत के चैनल पर देखते रहो, पर डे केपी संत लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ गुलढर का स्टेशन के। गुलढर के स्टेशन पर कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है, क्या क्या वर्क अभी रह गया है, और उसके बाद मैं फिर आपको दुहाई का स्टेशन दिखाने वाला हूँ कि वहाँ पर कितना कुछ काम वर्क कंप्लीट हो चुका है, क्या क्या वर्क अभी इस टाइम पर चल रहा है, क्या क्या किया जा रहा है। तो वो सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो देख सकते हैं यह है घोकना मोड़ और मेरे राइट हैंड पर पड़ेगी सीरम पिस्टन फैक्ट्री जो कि बहुत बड़ी फैक्ट्री है दोस्तों। जैसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएँगे तो आ जाएगा DPS का चौराया, उसको क्रॉस करने के बाद में फिर आ जाएगा राजनगर एक्सटेंशन जो जहाँ पे ये फ्लाईओवर बनाया गया। और जैसे ही फ्लाईओवर को क्रॉस करने के बाद में दोस्तों गुलढर का स्टेशन स्टार्ट हो जाएगा RRTS का। और उस पर आपको बता दूं कि उस पर जो वर्क है वो बिल्कुल ही 90% हो चुका है कंप्लीट, 10% ही बचा है। वो भी आपको बता दूं कि एक साइड का तो एंट्री और एग्जिट पॉइंट बन चुका है, दूसरी साइड का अभी उस पर तैयारी चल रही है दोस्तों। बाकी तो सारा काम हो ही चुका है। और जो अंदर के आपको बता दूं जो स्क्रीन डोर्स हैं वो भी लगा दिए जा चुके हैं। अब जो प्लेटफॉर्म के अंदर का जो फिनिशिंग का काम है वो चल रहा है गुलढर के स्टेशन पर दोस्तों। तो आप लोग देखो और इन्जॉय करो। और आपको बता दूं कि जो सेफ्टी बोर्ड हैं देख सकते हो वो सारे हटा दिए जा चुके हैं। और इन पर आपको बता दूं बीच का डिवाइडर बनाया जा रहा है, इन पर मिट्टी डाली जा रही है और मिट्टी डाल लेने के बाद में फिर इस पर प्लांटेशन कर दी जा रही है दोस्तों। तो तेज़ी के साथ में यही काम चल रहा है। तो एक साइड के तो इसमें सेफ्टी बोर्ड हटा दिए गए हैं, दूसरी साइड में अभी कहीं कहीं बचे हैं। और इन पर देख सकते हो लैंड मार्किंग भी कर दिया इन्होंने, मतलब कि पेंट कर दिया दोस्तों। तो आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा गुलढर के स्टेशन के। गुलढर के स्टेशन पर कितना कुछ वर्क चल रहा है अभी, क्या क्या वर्क हो चुका है कंप्लीट, वो सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर, केपी संत लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। तो देख सकते हैं ये आ चुका है गुलढर के स्टेशन। गुलढर के स्टेशन पर आपको बता दूं जो प्लेटफॉर्म लेवल का जो आपको टीन सेट का काम था वो भी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। जो अंदर के स्क्रीन डोर से थे वो भी लगा दिए जा चुके हैं दोस्तों। अब इस पर फिनिशिंग का काम चल रहा है और साइडों में इस पर अभी देखो ये लगाए जा रहे हैं। देखो इस तरीके से ये आपको बता दूँ कि ये सनरूफ बनाने का काम चल रहा है। जो सनरूफ तो बना दिया उसके साइडों का काम चल रहा है। और एक साइड का आपको बता दूं एंट्री एग्जिट पॉइंट बन चुका है और आपको बता दूं वॉकवे भी बन चुका है, कनेक्ट हो चुका है। अब ये लेफ्ट हैंड वाला ही बचा है और लेफ्ट हैंड वाला आगे आप लोगों को देखने मिले, वहाँ पर मकान वो तोड़ दिया जा चुका है, उसकी सफाई चल रही है। अब उसमें बस उसका फाउंडेशन बनाया जा रहा है और फाउंडेशन बनाने के बाद में फिर तो आपको पता ही है कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर कमेंट करें कोई भी संत को ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना आप लोग। ठीक है दोस्तों। आ चुके हैं, देख सकते हैं दुहाई के स्टेशन पर आरआरटीएस का जो बनाया जा रहा है, और इस पे भी बहुत तेज़ी के साथ में वर्क चल रहा है। अभी वो वर्क इसलिए चल रहा है कि वो आगे डिपो है और डिपो से ही स्टार्ट होगा ये प्रियोरिटी सेक्शन 17 किलोमीटर का पार्ट, जो कि साहिबाबाद से और दुहाई के बीच में चलाया जाना है। तो ये मैन आपको बता दिए प्लेटफॉर्म था, तो इस वजह से अभी थोड़ा काम मेट्रो डिले हो रही है, मतलब आरआरटीएस डिले हो रही है दोस्तों, रैपिड रेल। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए तेज़ी के साथ इस पर दिन रात वर्क चल रहा है। और आपको बताते हो एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाए जा रहे हैं दोनों साइडों में, एक तो ये लेफ्ट में है मेरे, एक आगे बनाया जा रहा है। और इस पर आपको बता दो 3 शेड का जो शेड है वो भी बना लिया जा चुका है। अब इस पर बस सनरूफ डालने का काम चल रहा है तेज़ी के साथ में दोस्तों, और इस पर फिनिशिंग का काम चल रहा है। अभी इस पर स्क्रीन डोर भी लगाए जाने हैं, और इस पर स्टेशन पर अभी स्टेयर भी बनाए जा रहे हैं, और इस पर एक्सीलेटर भी लगाए जा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि दिन रात काम चल रहा है यहाँ पर तेज़ी के साथ में इस प्लेटफॉर्म पर। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया और बताया जाए दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। केपी संत आप लोगों के बीच में कंटिन्यू लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। और आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली में ही यहाँ पर रोड भी बना दी जा चुकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूटी फाटी रोड थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, बहुत ज़्यादा जाम रहता था। तो देखो पहले एक लेयर पहले डाली थी, फिर दूसरी लेयर अब डाल दिया, तो बिल्कुल ये कंप्लीट कर दिया है इन्होंने, देख सकते हो आप लोग अपनी आँखों से। और इधर देख सकते हो, ये आपको बता दूं ओवरहेड वायरिंग का काम चल रहा है, देख सकते हो ये ओवरहेड वायरिंग लगाई जा रही है। इस पर इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगा दिए हैं, इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगाए जाने के बाद में दोस्तों अब देख सकते हो ओवरहेड इक्विपमेंट और ओवरहेड वायरिंग का काम चल रहा है इस दुहाई के स्टेशन पर। आप अपनी आँखों से देख सकते हो दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाता और बताता रहता हूँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि यही पैच रह गया था। और इस पर अब ये कनेक्ट कर दिया जा चुका है दुहाई के स्टेशन से, क्योंकि ये अभी बता दूं कि दुहाई डिपो में जा रहा था, उस पर भी ये इलेक्ट्रिसिटी के खंभे बचे हुए थे, वो देखो तेज़ी के साथ में लगाए जा रहे हैं। उस पर ट्रैक भी बिछा दिया जा चुका है, जैसे कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया भी था दोस्तों। तो उसी तरीके से इस पर वर्क चल रहा है, और अभी आगे को दिखाने वाला हूँ, आप लोग बने रहिए बस केपी संत के साथ में। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो दोस्तों, अपने हितू रिश्तेदारी में दोस्ती यारी में जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो करो। मैं ये चाहता हूँ कि बस मेरी वीडियो शेयर होनी चाहिए दोस्तों, और शेयर करोगे तभी कुछ मिलेगा, और तभी मैं आप लोगों के बीच में अपडेट ला पाऊँगा, नए नए आप लोगों को दिखा पाऊँगा दोस्तों। तो देख सकते हो एक तो दुहाई डिपो के अंदर चला जाता लेफ्ट वाला, और राइट वाला चला जाता सीधा मेरठ के लिए, मुरादनगर मोदी नगर मेरठ ऐसे निकल जाएगा दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो अपनी आंखों से। और यहाँ से हम चलेंगे यू लेके चलेंगे, आप दूसरी साइड को भी आप लोगों को दिखाएंगे, दूसरी साइड का भी आप लोग देख लो कि क्या क्या वर्क चल रहा है, उसमें भी आप लोगों को पता चल जाएगा दोस्तों। तो देखो एक साइड के तो सेफ्टी बोर्ड हटा दिए जा चुके हैं, इस साइड के हटा दिए हैं, उस साइड के अभी बचे हुए हैं, क्योंकि वर्क चल रहा है तेज़ी के साथ में, क्योंकि इस पर ट्रैक तो बिछा दिया जा चुका है, वो तो आप लोगों को पता ही है। और इस पर अभी इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगाए जा रहे हैं, उस पर ओवरहेड वायरिंग का काम चल रहा है अभी इस टाइम पे। और दोनों साइडों में अभी आपको बता दूं एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाए जा रहे हैं दोनों साइडों में। तो एक तो जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है एक तो क्लियर हो चुका है, अभी 3 बाकी बचे हुए हैं, तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे आगे। बस बने रहिए केपी संत के साथ में, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। केपी संत आप लोगों के बीच में लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों डेली के डेली। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करो केपी संत के चैनल करो दोस्तों, और केपी संत को बताओ कि आपके शहर में कहाँ वर्क चल रहा है, किस चीज़ का वर्क चल रहा है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा और बताऊँगा अभी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करके बताओ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। तो देख सकते हो ये 3 शेड बिल्कुल इन्होंने जोड़ दिया, अब इस पर सनरूफ डालने का काम चल रहा है, यानी कि 3 शेड डाला जाएगा अब इस पर। तो देख सकते हो इधर ये एक्सीलेटर रखे हुए हैं, एक्सीलेटर भी अभी लगाए जाने हैं इस प्लेटफॉर्म पे, और इस पर यानी कि एंट्री और एग्जिट पे। तो इधर भी अभी एक्सीलेटर लगाए जा रहे हैं, देख सकते हो। इधर एक साइड का तो ये कंप्लीट सही हो गया, मतलब कि आधा काम हो गया, 50% अभी बचा हुआ है। और देखो ये वॉक वे है, ये भी इन्होंने फ्लोरिंग इसका कर दिया है। तो यही बचा था, जब मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था तब इसका सरियाओं का जाल बना दिया था, लेकिन इस पर कंक्रीट नहीं हुआ था, इस पर वॉक वे पे, लेकिन अब वो भी कंप्लीट कर लिया जा चुका है दोस्तों। अब चलते हैं दूसरे वाले पे, एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे, उस पर कितना कुछ वर्क हो गया वो भी आप लोग अपनी आंखों से देख लो दोस्तों, क्योंकि दोनों साइड होके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आप लोग बताना मुझे कि केपी संत के वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है, ये 31,000 करोड़ की लागत से ये RRTS कॉरिडोर बनाया जा रहा है। 82 किलोमीटर का रूट है और इस पर 180 किलोमीटर की रफ्तार से इस पर रैपिड रेल दौड़ेगी दोस्तों। तो यही है, और बाकी आप ये देख लो एंट्री और एग्जिट पॉइंट यहाँ पर ये बनाया जा रहा है, आप लोग अपनी आंखों से देख लो। ये 3 सेट लगे हुए हैं, ये एंट्री एग्जिट पॉइंट ही बनाया जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हो दोनों साइड में ही बनाया जा रहा है, इधर भी उधर भी। तो उधर तो अभी फाउंडेशन बनाया जा रहा था, उसमें पिलर खड़े कर दिए गए हैं, इधर भी फाउंडेशन नीचे का बन गया और ऊपर के पिलर अब खड़े किए जा रहे हैं, देख सकते हो अपनी आंखों से दोस्तों। देखो ये दूसरा एंट्री एग्जिट पॉइंट, एक तो पहला वाला, दूसरा ये रहा, और ऐसे ही उस साइड में भी है। तो उस साइड का भी एक बन गया, दूसरे पर भी काम स्टार्ट होगा दोस्तों। देखो ये एंट्री एग्जिट, तो इसके पिलर बना लिए जा चुके हैं, खड़े किए जा रहे हैं। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। देखो दूसरा एंट्री एग्जिट पॉइंट वो बनाया जा रहा था हमने, तो वो पिलर देखो खड़ा कर दिया है, अब जोड़ने का ही काम चल रहा है तेज़ी के साथ में, वो भी कंप्लीट कर लिया जाएगा दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।